नमस्कार दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां से आल्ट इंटर से मैं मैक्सिमाइज़ कर दूंगा इसको और यहां से न्यू फाइल स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाता है हैश इंक्लूड, क्या आ जाएगा, एक stdio.h एंड सिमिलरली हैश इंक्लूड conio.h, दैट्स इट, ये लेना। और यहां से फिर क्या, void main दो ले लिया मैंने, ठीक है। void main का स्पेलिंग ये देख लिया void main, और यहां से मैं लूँगा इंटीजर। तो अब एक्चुअली इंटीजर ले लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, इसमें चारों ऑपरेशन कराएंगे हम। तो सबसे आसान चीज़ क्या रहती है कि जब अपन ये हो गया तो इसको जस्ट clr scr क्लियर आउटपुट मिले, ये करने के बाद मैं प्रिंट एफ यानी यूजर से इनपुट लूँगा। क्या इनपुट रहेगा, वो इनपुट इस प्रकार से रहेंगे कि इंटर द वैल्यू ए एंड बी, ठीक है। ये एक साथ आप चाहो तो अलग अलग भी करा सकते हो इसकी वैल्यू इंटर, और इसकी वैल्यू को मैं स्कैन करा लेता हूँ यानी स्थान दे देता हूँ मेमोरी में। क्या फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज डी, फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज डी, और ये कमा एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, और बस एंडिंग बाय सेमी कॉलन, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ी बात समझनी है कि सी इक्वल टू मुझे क्या ऑपरेशन कराना, चार ऑपरेशन करा सकता हूँ मैं ए प्लस बी। अगर ये हुआ ये प्रिंट कराना, तो मैं क्या करूँगा इसको प्रिंट एफ और क्या कर दूँगा, द सम, क्या लिखेंगे, द सम या एडिशन जो भी आप लिखना चाहो, परसेंटेज डी क्लोज, और ये किसका, सी का मैं प्रिंट कराऊँ तो सी लिख दिया मैंने, ठीक है। इसी प्रकार सी इक्वल टू मुझे अगर मान लो कि प्रिंट कराना किसका, ए माइनस बी, तो ये करा दिया मैंने और यहाँ लिख दिया क्या, प्रिंट एफ और वैल्यू द सब्ट्रैक्शन इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा, और ये क्या है सी, सॉरी, तो ये लिख दिया। उसी प्रकार सी इक्वल टू मुझे अगर मान लो प्रिंट कराना है ए इंटू बी यानी मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कराना है, तो ये वापस लिख दूंगा मैं प्रिंट एफ, है ना, द मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू अगेन परसेंटेज डी और एंडिंग और कॉमा सी, सी की वैल्यू प्रिंट करानी मुझे, दैट्स इट। और एक और चीज़ होती है ये आपको समझनी है, ये होती है ए मॉड बी। इससे क्या होता है दोस्तों कि ए मॉड बी जैसे ही मैं लिखता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है, शेषफल देता है, जैसे सात में दो का भाग गया तो दो तीन छः, शेष कितना बचा एक, तो वो एक प्रिंट कराता है यानी अल्टीमेटली रिमाइंडर प्रिंट कराता है। तो ये इस प्रोग्राम में हम सारे ऑपरेटर निकालेंगे, तो द रिमाइंडर इक्वल टू परसेंटेज डी और एक अमा, और ये सी निकाला, ठीक है। और इसी प्रकार एक और बचता है सी इक्वल टू ए बाय बी, यानी इससे डिवीज़न निकलता है। इसमें फ्लोट वैल्यू भी आ सकती है, तो यहाँ पर ए बी सी आपने लिया तो सी को फ्लोट भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, और अगर स्पेसिफिक वैल्यू डालोगे कोई दिक्कत ही नहीं। बट तो अगर आप चाहो तो वो एक असाइनमेंट के तौर पर, अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मुझे, मैं उसमें समझा दूंगा आपका। तो द डिवीज़न इक्वल टू क्या आ जाएगा, परसेंटेज डी कमा, बस ये तो सारा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, गेट सी एच कर दो आप, ये कर दो, और गेट सी एच करने के बाद क्या, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। जैसे मैं रन पे जाता हूँ, रन पे ये सब हो रहा, तो एक ही लाइन में आ जाए क्योंकि मैंने स्लैश एन नहीं लगाया है, तो स्लैश एन नहीं लगाया तो एक ही लाइन में, ए की वैल्यू में डालता हूँ 6 और बी की वैल्यू डालता हूँ 2, तो ये सारे एक ही लाइन में आ गया। कितना सम 8 हो गया, सब्ट्रैक्शन 4 हो गया, 6 माइनस 4 2, सॉरी 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, मल्टीप्लीकेशन 6 दूनी 12, और रिमाइंडर आपके पास लिखा है 0 क्योंकि 6 में 2 का भाग दो, 2 तिया 6 यानी रिमाइंडर शून्य बचता है। और डिवीज़न में इसने गार्बेज वैल्यू ले ली, क्यों ले ली गार्बेज वैल्यू, क्योंकि मैंने इसके अंदर उपयोग किया था फ्लोट वैल्यू नहीं उपयोग किया, तो इससे कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो ये तो कैश मेमोरी का फंडा है, इसको आपको नहीं सोचना है। तो ये एक ही लाइन में आ गया, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अब स्लैश एन करके न्यू लाइन से सारी चीज़ें प्रिंट करवा सकता हूँ। तो स्लैश एन कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, और कोई भी दिक्कत अगर आए तो आप मुझे कमेंट करके
बताइएगा। और हाँ, दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब और के साथ लाइक ज़रूर करें। ये सब न्यू हो गया, एक बार फिर देखते हैं। अब अलग नंबर के साथ मैं आउटपुट देखूँगा आपका, तो अब आपका वो भी अलग आ जाएगा, तो देखिएगा ये स्लेशन लगा दिया, सब कुछ न्यू लाइन से प्रिंट होगा। आप देखना, थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा मोबाइल, मोबाइल नहीं लैपटॉप। तो मैं इंटर करता हूँ 7 और इंटर करता हूँ 2, देखिएगा इसमें सारा कुछ आ गया है। क्या आ गया? सम 7 और 2 9, सब्ट्रैक्शन 7 में से 2 जाए तो 5 बचते हैं, और मल्टीप्लिकेशन 7 2 14, और रिमाइंडर 2 3 6, और बचा कितना? 1 बचा, तो ये रिमाइंडर। और डिवीज़न की जगह वही वाली जो मैंने फ्लोट वैल्यू नहीं इंटीजर वैल्यू ली, और उसके वजह से थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रहा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप आराम से यहाँ पे अगर फ्लोट वैल्यू लोगे तो आसानी से इसका फाइंड आउट कर लोगे। तो ये आपके लिए असाइनमेंट हो सकता है कि आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे। आपके असाइनमेंट के तौर पर अगर मैं देता हूँ तो आप इसको कहाँ गया अपना, यहाँ पर इसको फ्लोट डिक्लेयर कर देना है ना, ये यहाँ ये हुआ, और ये आपके पास हो गया फ्लोट इक्वल टू सी। ठीक है, अब एक बार और देख लीजिए, हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्लोट सी, अब सी की वैल्यू अगर फ्लोट आई है तो सी को परसेंटेज एफ से डिक्लेयर करना पड़ेगा अपन को, और मैंने परसेंटेज डी से डिक्लेयर कर रखा, तो वो आपको एक देखना है कि 7 और 2 लेता हूँ तो फिर ये सब में 0 0 वैल्यू दे दी। क्यों दे दी इसने 0 0 वैल्यू? क्योंकि ये जो सी की वैल्यू है ये फ्लोट मैंने की है, तो यहाँ परसेंटेज डी की जगह आपको परसेंटेज एफ लगाना है सबकी जगह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन कौन सा फॉर्मेट है। तो ये आपको हटाना है सब जगह एफ एफ, जहाँ जहाँ डी डी लगा है वहाँ वहाँ एफ एफ लगा दीजिए आप। तो क्या जो क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू फ्लोट में आ रही है तो वो यानी पॉइंट वैल्यू भी एक्सेप्ट करने लगेगा ये। ठीक है, अब देखते हैं क्या आना चाहिए। तो बस ऐसे रन करके देखते रहना, अगर कोई दिक्कत आए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और लाइक तो कर ही दीजिएगा, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करना बनता है। इतना आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें सारी मिल रही, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। तो ये देखते हैं, अब मैं इसके अंदर मान लो कि इंटर करता हूँ 7।